जिला समाजवादी पार्टी की एक बैठक पार्टी के बेतियाहता स्थित कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने किया। इस दौरान बैठक में सांसद परवीर निषाद पर हुए लाठीचार्ज व मुकदमा लिखे जाने पर चर्चा हुई। नेताओं ने इस मुद्दे पर आक्रोश जताते हुए कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई करे प्रशासन व सांसद के खिलाफ मुकदमा वापस लिया जाए। बैठक में तय हुआ कि 11 मार्च को जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान जियाउल इस्लाम, सांसद परवीर निषाद, जवाहरलाल मौर्य, जगदीश यादव, डॉक्टर मोहसिन खान, रजनीश यादव, जफर अमीन डक्कू, राहुल यादव आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, प्रताड़ित किया जाए, परिवार को प्रताड़ित किया जाए। दूसरी बात, सबसे पहले पिपराई विधानसभा के सभी न्याय पंचायत स्तर में समाजवादी पार्टी की एक आवश्यक बैठक हमारे सीनियर लीडरों की बुलाई गई है। गोरखपुर के सांसद प्रवीण निषाद, इसको लेकर के हम लोग आंदोलित हैं। कल धरना दिया गया, उसके बाद मुकदमा कायम कर दिया गया हमारे सांसद पर और उनके साथियों पर, ये घोर निंदनीय है और उसी किससे निपटने के लिए हम लोग ये रणनीति लेने लिए बैठे हैं। हम प्रशासन और शासन पर चिट्ठी लिखेंगे और अपनी बात कहेंगे।